हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से मौर्यकालीन कला मतलब मौर्यन आर्ट, इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मौर्यकालीन कला का वर्णन करें। मौर्यकालीन काल कला की दृष्टि से एक उन्नत काल था। यह मुख्यतः दो रूपों में मिलती है। एक राजतक्षकों द्वारा निर्मित जो मौर्य प्रसाद और अशोक स्तंभों में पाई जाती है, राजसभा की कला की का प्रेरणा स्रोत स्वयं सम्राट था। दूसरा वह रूप परखम के यक्ष की चमार ग्रहणी और बेसनगर की यक्षिणी में देखने को मिलता है, इस लोक कला कहा जाता है। इन दोनों कलाओं का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित उपशीर्षकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम राजकीय कला की बात करेंगे। राजकीय कला का सबसे पहला जो उदाहरण है वह है चंद्रगुप्त का प्रसाद। प्रसाद का मतलब महल होता है, ठीक है, जो वर्तमान में पटना के निकट कुम्रहार गांव के समीप था। ठीक है, कुम्रहार की खुदाई से प्रसाद के सभा भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ज्ञात होता है कि सभा भवन खंभों वाला हॉल था। इस सभा भवन के फर्श और छत लकड़ी के थे। इसकी लंबाई 140 फुट और चौड़ाई 120 फुट है। खुदाई से 40 पाषाण स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। ये स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और इसमें चमकदार पॉलिश की गई थी। मौर्यकाल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्मक स्तंभ हैं, जो कि उसने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए। इनकी संख्या लगभग 20 है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। लाठ की ऊंचाई 40 से 50 फीट है। चुनार की खानों से पत्थरों को काटकर निकालना शिल्पकला में इन एकाश्मक खंभों को काट तराश कर वर्तमान रूप देना, इन स्तंभों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना शिल्पकला तथा इंजीनियरी कौशल का अनोखा उदाहरण है। इन खंभों के दो मुख्य भाग उल्लेखनीय हैं। स्तंभी यास्टी या गाबदुम लाट और शीर्ष भाग। शीर्ष भाग का मुख्य अंश है घंटा, जो कि अखमनी स्तंभों के आधार के घंटों से मिलते जुलते हैं। भारतीय विद्वान इसे अवांगमुखी कमल कहते हैं। इसके ऊपर गोलंड या चौकी है। कुछ चौकियों पर चार पशु और चार छोटे चक्र अंकित है तथा कुछ पर हंस पंक्तियां अंकित है। चौकी पर सिंह, अश्व, बेल, बैल तथा हाथी आसीन। ये चार पशु एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्षक है। मौर्य शिल्पियों का रूप विधान का इससे अच्छा दूसरा नमूना नहीं है। ऊपरी सिंहों में जैसी शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी फूली हुई नसों में जैसी स्वाभाविकता है और उनके नीचे अंकित आकृतियों में जो प्राणवान वास्तविकता है, उसमें कहीं भी आरंभिक कला की छाया नहीं है। शिल्पियों ने सिंहों के रूपों को प्राकृतिक सच्चाई से प्रकट किया है।
अशोक ने स्तूप निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये अर्ध गोलाकार होते थे। स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती थी, जिसके ऊपर धातु का पात्र रख दिया जाता था, जिसे हर्मिका कहते थे। स्तूप के चारों ओर बाड़ अथवा दीवार की घेरे दिए जाते थे, जिसे वेदिका कहते थे। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा हेतु प्रदक्षिणा पथ होता था। सांची के स्तूप कला की दृष्टि से सर्वोत्तम है। अशोक ने चट्टानों को कटवाकर कंदराओं एवं गुफाओं का निर्माण करवाया। गया के निकट बराबर पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुफा आजीवक भिक्षुओं को दान में दे दिया। इस गुफा में 2 कोष्ठ हैं, जिसकी छत अर्धवृत्ताकार है। इसके बाहर का मुखमंडप आयताकार है, किंतु छत गोलाकार है। दोनों कोष्ठों की भित्तियों यानी अंदर के क्षेत्र में और छतों पर शीशे जैसी चमकती हुई पॉलिश है, जिससे यह ज्ञात होता है कि चैत्य घरों का मौलिक विकास अशोक के समय ही प्रारंभ हो गया था। अब हम आते हैं लोक कला पर। तो मौर्य काल की लोक कला का ज्ञान उन महाकाय यक्षी मूर्तियों द्वारा होता है, जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और पश्चिमी सुपरिक तक पाई जाती हैं। इन यक्षी मूर्तियों की अपनी निजी शैली है, जिसका ठेठ रूप देखते ही अलग पहचाना जा सकता है। अति मानवीय महाकाय मूर्तियां खुले आकाश के नीचे स्थापित की जाती थी। इस संबंध में परखम ग्राम से प्राप्त यक्षमूर्ति, पटना से प्राप्त यक्षमूर्ति, जिस पर ओपदार चमक है और एक लेख भी है, पटना शहर के दीदारगंज से प्राप्त चमार गृहिणी यक्षी, जिस पर सभी मौर्य शैलियों की चमक है, विशेष उल्लेखनीय है। ये मूर्तियाँ महाकाय हैं और मांसपेशियों की बलिष्ठता और दृढ़ता इनमें जीवंत रूप में व्यक्त की गई है। वे पृथक रूप से खड़ी हैं, पर उनके दर्शन का प्रभाव सम्मुखहीन है, मानो शिल्पी नरों ने उन्हें सम्मुख दर्शन के लिए बनाया हो। उनकी वेश है सिर पर पगड़ी, कंधों और भुजाओं पर उतरिय, नीचे धोती, कानों में भारी कुंडल, गले में कंठा, छाती पर तिकोना हार और बाजुओं पर अंगद। मूर्तियों को थोड़ा घटोदर दिखाया गया है, ठीक है। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे, तो चलिए इसके निष्कर्ष को देखते हैं। कंक्लूजन में इस प्रकार मौर्यकालीन कला के सूक्ष्म अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पश्चात मौर्य शासकों द्वारा कला तथा कलाकारों को प्रश्रय यानी आश्रय, ठीक है, प्रश्रय का मतलब आश्रय होता है, प्रश्रय देने के कारण कलाकारों को अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति का समुचित अवसर प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में राजकला के साथ साथ लोक कला का भी विकास हुआ। इन कलाओं में अपनी विशिष्ट मौलिकता तथा सजीवता को प्रदर्शित किया तथा इन्होंने भावी कला के लिए प्रेरणा स्रोत का भी कार्य किया। इस तरह से हमने देखा कि मौर्यकालीन कला जो थी मूल रूप से 2 भागों में विभाजित है। हम दोनों भागों का विस्तार से हमने अध्ययन किया।
तो इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।